उत्तर प्रदेश के भदोही में पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप से पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस समेत AK-47 बरामद की। बताया गया कि यह कार्रवाई पूर्व एमएलए विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर की गई, जिसमें पुलिस ने एक AK-47, कई पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस मिलने का दावा किया। पुलिस पूर्व विधायक के बेटे को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी, जिसे हाल ही में एसटीएफ ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया था। विष्णु मिश्रा पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके विजय मिश्रा भी इन दिनों जेल में बंद हैं। इस चीज के बारे में अभी विस्तृत जानकारी की जा रही है कि ये AK-47 और जो अत्याधुनिक पिस्टल है, ये इनको कहां से मिली और इनका इस्तेमाल कहां कहां हुआ है।